बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्रिएटर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को पेशावरी आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी। और पेशावरी आइसक्रीम आप सब जानते हैं कि बहुत मज़े की होती है और बहुत डिमांडिंग भी होती है, और उसे बनाना उतना ही आसान होता है। तो आज हम पेशावरी आइसक्रीम बनाएंगे। तो पहले आप रेसिपी चार्ट देख लीजिए। और अब ये मैंने 1.25 लीटर मैंने दूध ले लिया था, और तकरीबन ये वाले 4 मग थे जो मैंने दूध के इस्तेमाल किए थे। और अब मैं दूध को उबाल आने तक अच्छे से पकाऊंगी, और फिर उसके बाद तमाम अज्जा को शामिल करेंगे। अब ये देखें कि दूध को उबाल आ चुका है, तो मैं अभी इसमें आधा मग जो मैंने आपको दिखाया था उतना मैं इसमें अब कंडेंस मिल्क शामिल कर दूंगी। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, किसी को कम मीठा पसंद होता है और किसी को ज़्यादा, तो फिर ये आपकी चॉइस है कि आप मीठा कितना ज़्यादा रखना चाहते हैं। दूध को अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें बलाई का इस्तेमाल करूंगी। आधा मग मैंने बलाई ली थी, तो मैं बलाई इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने हैवी व्हिपिंग क्रीम यूज़ नहीं की थी। अगर आप हैवी व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप बलाई बेशक इस्तेमाल ना करें, लेकिन मैंने लो फैट क्रीम यूज़ की थी इसलिए मैं बलाई अब इसमें ऐड करूँगी। लेकिन अगर वैसे भी अगर आप हाई व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आप बलाई अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप पर है, क्योंकि जितना आप क्रीमी चाहते हैं उतनी ज़्यादा आप क्रीम इसमें ऐड कर दें। अब बलाई भी अच्छे से मिक्स हो गई है, तो मैं इसमें जो मैंने क्रीम ली थी लो फैट क्रीम वो शामिल करूँगी। ये हाफ मग, सॉरी डेढ़ मग में इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने ऑल पर्स की ली थी। ये देखिए, मुझे मीठा थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं इसमें हाफ मग दोबारा से कंडेंस मिल्क शामिल करूंगी। आप कंडेंस मिल्क की जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप फिर इन्हें सबको अच्छे से मिक्स कर लें। जब कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर आप इसमें कूटे हुए बादाम शामिल करेंगे। मैं यहाँ पर 3 चम्मच कूटे हुए बादाम शामिल कर रही हूँ। उसके बाद तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स करें, अच्छे से। अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया और इसमें सिर्फ 2 पिंच में येलो फूड कलर शामिल कर रही हूँ, जरदा रंग। आप कोई भी फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकती हैं। मैं यहाँ पर कुल्फा फ्लेवर में बना रही हूँ, तो आप कोई भी फ्लेवर बना सकते हैं, चॉकलेट भी, पिस्ता भी, कोई भी फ्लेवर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे क्रीमी सा कलर देने के लिए मैंने इसमें येलो कलर ऐड किया, बिल्कुल थोड़ा सा। अब दूध को आम दर्जा हरारत पर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये मिक्सचर है, इसमें मैं 3 चम्मच वनीला एसेंस के ऐड कर रही हूँ। मैं अपने अंदाजे से ऐड कर रही हूँ, आप मेजर करके भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं आइसक्रीम को फूड रैप करके एयर टाइट कर दूंगी, ताकि इसमें कोई एयर पार्टिकल या
पानी का कोई कचरा वगैरह ना जा सके। तो अब मैं इसे पूरी रात के लिए फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से जम जाए। अब मैंने इसे पूरी रात के लिए रख दिया था और ये देखें, ये साइडों से तो अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी है, लेकिन दरमियान का कुछ हिस्सा है जो फ्रीज़ नहीं हुआ हुआ। तो इसे मैं एक अलग कंटेनर में निकाल दूंगी और दोबारा से फ्रीज़ करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं इसे अच्छे से साइडों से पीसीस कर लूंगी और उन्हें ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लूंगी। अगर आप इसे आराम से 8-9 घंटे के लिए फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे तो ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएगी। मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने इसे जल्दी फ्रीज़र से निकाल लिया। अब मैं आइसक्रीम के तमाम पीसेस को 1 by 1 ब्लेंडर में डालूंगी। ब्लेंडर में वही आइसक्रीम डालनी है जो अच्छे से फ्रीज़ हो चुकी हो, जो थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में हो उसे आप अलग बाउल में डालकर दोबारा से फ्रीज़ होने के लिए रख सकते हैं। इसे हम फुल फ्रीज़ होने के बाद ब्लेंड इसलिए करते हैं कि इसमें जो भी वाटर क्रिस्टल्स होते हैं वो अच्छे से ख़त्म हो जाएं या ब्लेंड हो जाएं। इसलिए तो वापस होने इसने आपने इसे ज़्यादा देर के लिए भी ब्लेंड नहीं करना आइसक्रीम को। ये देखें, जैसे अब ये हो गए हैं तो आप फौरन ब्लेंडर को बंद कर देंगे और आइसक्रीम के मिक्सचर को निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए। और उसके बाद आप फिर से इसे फूड रैप कर देंगे और इसे फिर आप 3 से 4 घंटे के लिए अगेन फ्रीज़र में रख देंगे। जब आप फ्रीज़र में रखेंगे तो आपने बार बार जाके इसे चेक नहीं करना। अब आप इसे 3-4 घंटे के बाद ही फ्रीज़र से निकालेंगे। अब ये देखिए, हमारी आइसक्रीम की कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो चुकी है, ये कितने अच्छे से बन चुकी है। आप इसे 2 से 3 मरतबा भी कर सकते हैं, इससे बेस्ट रिज़ल्ट आता है और अच्छा रिज़ल्ट आता है। लेकिन मैं इसे सिर्फ एक बार किया था और अब मैंने इसे इस्तेमाल कर लूँगी। बस पिशावरी आइसक्रीम बहुत सॉफ्ट होती है बाकी आइसक्रीम्स की नस्बत। अब मैं इस पर थोड़े से स्प्रिंकल्स को स्प्रिंकल कर दूँगी। और चॉकलेट सिरप से थोड़ी सी गार्निशिंग करूँगी। आप पिशावरी आइसक्रीम किसी भी फ्लेवर की बना सकते हैं। ये देखिए, हमारी मज़े वाली आइसक्रीम तैयार है। ये बहुत सॉफ्ट और मज़े की होती है। लेकिन जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा।